और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में ममता के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक बंद किया गया। चप्पे चप्पे पर कोलकाता में पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। छात्र संगठनों ने मार्च का ऐलान किया है। रेप मर्डर केस के खिलाफ सचिवालय तक मार्च की बात कही गई है। कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। सचिवालय तक मार्च करने का ऐलान किया है छात्र संगठनों ने। हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर कोलकाता में पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। तो इस बंद के ऐलान के बाद से वहां पर प्रशासन सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। हावड़ा ब्रिज बंद कर दिया गया, ट्रैफिक वहां पर बंद कर दिया गया है इस ब्रिज पर। इसके अलावा भी शहर में अलग अलग जगहों से हमें सूचना मिल रही है कि चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बंदोबस्त है। तो लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से गुस्सा वहां पर लगातार सड़कों पर लोगों का नजर आ रहा है, डॉक्टर्स का नजर आ रहा है। आज छात्र संगठनों ने इस मार्च का ऐलान किया है। आइए इसी खबर पर कुछ और अपडेट लेते हैं। वरुण जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, तो ये जो मार्च करने वाले थे छात्र, इसी के मद्देनजर हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक बंद और आसपास से जो खबर आ रही है कि पुलिस बंदोबस्त है वहां पर? देखिए, बिल्कुल, छात्र संगठनों द्वारा एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च है वो कॉल किया गया है। छात्रों को सचिवालय की तरफ जाना है और वहाँ पर सचिवालय का घेराव करके ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। और उसी को लेकर आप देखिए, जो प्रोटेस्टर है वो किसी भी तरीके से सचिवालय तक ना जा सके। सबसे पहले मेरे कैमरा में एक बार दूसरी तरफ दिखाएं कि ये हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज के मैं ठीक नीचे खड़ा हूँ और अब इस हावड़ा ब्रिज के देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पर किस तरीके से अखिलेश बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बैरिकेड्स को तार लगाकर आपस में जोड़ा जा रहा है और उसके साथ ही बड़े बड़े पाइप्स लगाकर जो वेल्डिंग मशीन है, ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो वेल्डिंग है वो की जा रही है। यानी कि कुछ इस तरीके के दृश्य आपने किसान आंदोलन के समय देखे थे। बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाकर कंक्रीट लगा दिए गए, वेल्डिंग मशीन से उन बैरिकेड्स को जोड़ा गया। कुछ उसी तरह की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कोलकाता पुलिस करती हुई नजर आ रही है। और दोनों तरफ का जो ट्रैफिक था सड़क पर वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, क्योंकि जो पुलिस है वो ये बात जानती है कि जब प्रोटेस्टर इस हावड़ा ब्रिज को ही आगे क्रॉस करेंगे तो आगे हावड़ा रेलवे स्टेशन आएगा। मेरे कैमरा में थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाएं आगे, और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हावड़ा रेलवे स्टेशन से करीब लेफ्ट साइड पर जाकर 2 किलोमीटर पर सचिवालय है। सचिवालय पर नहीं जाने देना चाहती। आप देखिए कैमरे की नज़र से किस तरीके से कोलकाता पुलिस की बड़ी संख्या में जो जवान है वो आपको यहाँ पर दोनों तरफ डिप्लॉय नजर आएंगे। आम जनता है वो सब, क्योंकि ब्रिज पूरी तरीके से बंद है ट्रैफिक के लिए। ये देखिए पैदल पैदल ही अब अपने सामान के साथ अपने काम की जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन नहीं है। समस्याएं जरूर लोगों को हो रही है क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से बंद है। देखिए ब्रिज पर आपको कैसे सैकड़ों की संख्या में, अगर लोगों से भी मैं अगर बात करने की कोशिश करूँ, दादा पैदल पैदल जा रहे हैं, बंद कर दिया ब्रिज। हाँ, ब्रिज बंद कर दिया इसलिए जा रहा है, उधर से बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया हमको पता नहीं। इसका कॉल है आपको पता नहीं है? पता नहीं, तो इधर तो नहीं है मोहकरण, नवन्न तो उधर है। ये क्या है? ये तो हावड़ा बीच लेके लोग ऑफिस जा रहा है। ऑफिस जाएगा बड़ा बाजार का लोग नहीं जाएगा, वो तो नवन्न तो उधर है, इधर से कैसे जाए? लेट हो रहे होंगे ऑफिस। ऑफिस तो बहुत लेट हो चुका है। अब सोचिए लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं, और ये वही ममता बनर्जी है जो खुद पर सड़क पर संघर्ष करके सत्ता तक पहुंची, वामपंथी सरकार के खिलाफ किस तरीके से धरना प्रदर्शन करती थी, और आज जब छात्र मार्च कर रहे हैं उससे घबरा गई। कोलकाता रेप मर्डर केस पर अभी की एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं कि सीबीआई ने 5 नर्सिंग स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया है। आरजीकर अस्पताल के 5 नर्सिंग स्टाफ से सीबीआई पूछताछ करेगी, यानी सीबीआई की पूछताछ का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। इसी खबर पर वरुण कुछ और जानकारी हो तो वो अपडेट भी दर्शकों तक पहुंचाइए, और जरा लोगों से वहां बात जो आप कर रहे थे वो भी करिएगा कि लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं जो वहां पर नाकेबंदी कर दी गई है ममता सरकार की तरफ से। देखिए बिल्कुल, जांच का दायरा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन इतने दिनों में सीबीआई ने क्या हासिल किया यह अभी तक साफ नहीं है। करीब 100 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। जो संदीप घोष है, 100 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हो चुकी है। 7 लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी देखा जाए तो अभी भी वही है, संजय राय की एक, जो कि कोलकाता पुलिस ने की थी। कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ही पैरेलल सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज जरूर जो नर्सिंग स्टाफ से जुड़े 5 लोगों को बुलाया था, आप पैदल जाना पड़ा, रास्ता बंद हो गया है। हाँ। काम पर जा रही है। हाँ। दिक्कत हो रही है, मतलब आपको पहले पता नहीं था कि बंद करना है ब्रिज? नहीं, उतना पता नहीं था। आप लोग भैया अभी कहाँ जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं सर। हाँ।
जाना पड़ेगा ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा। गलत है बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट है, परेशान है पब्लिक को, परेशान करने का काम है, पब्लिक हरेसमेंट हो रही है पूरी। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि आदमी जा सके पैदल, हर जगह बैरिकेड लगाया तो आदमी कहाँ से जाएगा पैदल। आगे तो वेल्ड कर दिए हैं, अगर थोड़ी देर बाद आएंगे तो पैदल भी नहीं निकल, वो तो निकल नहीं पाएंगे, फोन आ गया ऑफिस से इसलिए जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? हम विधाननगर जाएंगे। तो फिर कैसे जाएंगे आप, पैदल ही आगे का सारा? नहीं देखते हैं, थोड़ा दूर बाद में रिटर्न घर चल जाएंगे। कितना घंटा लेट हो गए हैं? पहले तो बारिश थी उससे लेट हुए। हाँ 10:30 बजे जाने का बात है, 12 बज गया, अब देखिए क्या होता है। ऑफिस नहीं जाने से भी पैसा कटेगा ना। ममता दीदी ने पुलिस तो लगा दी लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की। व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है, पब्लिक तो परेशान है ही, लेकिन ये प्रोटेक्ट भी करना जरूरी है। प्रोटेस्ट भी है बड़ा, क्योंकि एक डॉक्टर के अस्पताल के अंदर रेप, और भाई हम लोगों को एक्चुअली में अब क्या बोले, व्यवस्था ठीक तो है नहीं, नहीं उपाय भी क्या, लोग भी देखिए परेशान है वहां मौजूदा सरकार से, कह रहे हैं व्यवस्था ठीक नहीं है। वरुण फिलहाल शुक्रिया आपका, आप ग्राउंड जीरो से ये खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से हावड़ा ब्रिज को ही बंद कर दिया गया है, दरअसल आपको भी पता है वहां पर वो एक मेन रास्ता है जहां से लोग हजारों की संख्या में रोज आते जाते हैं, तो दिक्कतें भी हो रही हैं। कोलकाता में आज के प्रदर्शन को लेकर तनाव की स्थिति है, क्योंकि पुलिस ने छात्रों को मार्च की इजाजत नहीं दी। आपको दिखाते हैं अपनी सहयोगी मनोज्ञा की एक रिपोर्ट। राजीकर में डॉक्टर की रेप और हत्या के प्रतिरोध में आज कोलकाता की सड़कों पर पश्चिम बंगाल छात्र समाज नाम का संगठन, जो विभिन्न संगठनों से बनकर मिलकर बना है, वो आज प्रदर्शन कर रहा है। दोपहर से ये प्रदर्शन शुरू होना है, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। उसके लिए तैनाती कोलकाता पुलिस की तरफ से कई गुना ज्यादा है, करीब 3 लेयर सिक्योरिटी है। मैं इस समय जिस रास्ते पर हूँ, ये रास्ता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कालीघाट के उनके घर से लेकर नवान्नों तक का रूट है। यहीं से आप नए फ्लाईओवर पर उठकर चले जाएंगे और सीधा नवान्नों पहुंच जाएंगे। नवान्नों यानी कि जो 14 तल का पश्चिम बंगाल सरकार का दफ्तर है, जिसमें 14th फ्लोर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दफ्तर है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन और उन्हीं के इस्तीफे की मांग करते हुए आज ये प्रदर्शन हो रहा है। अब आपको तैयारियों के बारे में बता देते हैं। कोलकाता पुलिस जहां एक ओर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर 3 लेयर सिक्योरिटी में ट्रैफिक बैरिकेडिंग शामिल है। जगह जगह इस तरह से बांस बल्लियां लगाकर रास्ते रोके गए हैं। आज सामान्य लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो सकती है। ये भी बताया गया है कि जितना संभव हो सके कुछ रूट्स न लिए जाएं। करीब 19 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, 20 से ज्यादा DCP लेवल के ऑफिसर्स को तैनात किया है। तो वहीं साथ ही साथ कोलकाता पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। रास्तों पर किस तरह से रोका गया है ट्रैफिक को, आपको वो दिखाते हैं। और किस तरह से ये पूरे रास्ते, आपको जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये बैरिकेडिंग लगाई गई है। इस तरह की बैरिकेडिंग एक नहीं मल्टी लेयर की गई है, करीब 19 जगहों पर इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। हावड़ा ब्रिज से रास्ता जाता है, सांतरागाछी से रास्ता जाता है, नए ब्रिज से रास्ता जाता है, कोलकाता से जाने वाले रास्ते और हावड़ा ब्रिज से आने वाले रास्ते, लगभग सभी पर इसी तरह की रोक है। जहां एक और बारिश की वजह से कई गुना ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था है, तो वहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन और रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के संगठन का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अगर किसी तरह की स्थिति बिगड़ी तो एक्शन लेने में कोताही नहीं बरती जाएगी। कोलकाता में प्रदर्शन पर राज्यपाल CV बोस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने देना चाहिए। राज्यपाल ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का ध्यान रखे जिसमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन को मंजूरी दी गई है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्ट अनाउंस्ड बाय द स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ वेस्ट बंगाल टुमारो एंड द रिपोर्टेड सप्रेशन ऑफ द प्रोटेस्ट बाय सर्टेन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट आई वुड अर्ज अपॉन the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. तो शांति पूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं छात्र, ऐसे में ममता सरकार घबरा क्यों रही है, ये बड़ा सवाल है।